Hey guys, so welcome to Kumar Visa Blog and welcome to new series of Learn Driving by Bittu. तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो फॉलो किया हो, कुछ प्रैक्टिस किया हो. तो आज मैं फिर गाड़ी लेके निकला हूँ. तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि भीड़ में चलाते कैसे हैं. ठीक, तो अभी ये मेन रोड है, मैं दिखाता हूँ आपको. फर्स्ट गियर राइट इंडिकेटर दिखा के दिखाएंगे हम लोग, क्या धीरे से निकालेंगे. इंडिकेटर ऑफ. अब जब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में आ जाए प्लस दबा के हम लोग उसको दो पे डाल देंगे. अब देख रहे हैं भीड़ में हम लोग को हमेशा क्लच ब्रेक पे पाँव रख के चलाना पड़ता है, तो कभी भी दायां बाएं किसी को भी लग सकती है. तो एकदम धीरे धीरे चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है. जब आपको रास्ता सीधा फाका मिले तब आप उसको थर्ड गियर पर लेके गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो. देखिए आगे इधर ट्रक है, इधर भी ट्रक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे. जब हमारी जगह खाली होगी तब हम लोग जाएंगे. तो मैंने एक गियर पर डाला था फिर से, सॉरी न्यूट्रल लगा के फिर मैंने एक गियर पर डाला, क्योंकि गाड़ी हमारी रुक चुकी है. इतना डिस्टेंस आपको बना के रखना उस टायर की और इस बॉन्नेट की. गाड़ी थोड़ी स्पीड हो रही है, क्लच दबा के दो पे डाल देंगे हम लोग इसको. सामने बाइक वालों से हमेशा बच के रहिए, ये लोग कभी भी इधर उधर घूम सकते हैं, कभी भी ब्रेक ले सकते हैं. जैसा अभी इनको देखिए, अभी चल रहे थे फटाक से उन्होंने ब्रेक ले लिया. तो ये सब हमें सोच के चलना पड़ता है. अभी आगे जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मिरर में राइट मिरर में देखेंगे जगह है कि नहीं, कोई गाड़ी आ रही है, और उस हिसाब से आगे. पीछे भी हमारा एक मिरर है. अब आगे रोड खाली है, जिसको तीन गियर पर हम लोग काटते हैं. तब से हॉर्न दे रही थी, मैंने उसको साइड दे दिया. तो अभी देखिए हमारी गाड़ी तीन गियर पर आराम से चल रही है. देखिए इधर बाइक वाला को देखिए, उन्हीं सब के वजह से आपको हमेशा ब्रेक पे पावर रखना है. अब देखिए ये आप धीरे धीरे चल रही है, आपको ओवरटेक करना है. सबसे पहले आप मिरर में देखोगे कि पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं, फिर राइट में देखोगे कोई आपकी इक्वली आपकी कोई चल रही है कि नहीं, और सामने देखोगे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं. अब जैसे मेरे रास्ते को फाका है तो मैं क्या करूँगा, ओवरटेक करूँगा इसको. अब सामने ट्रक आ रही है तो क्या करूँगा, मैं इधर से ही अपनी गाड़ी स्लो करके खुद को एडजस्ट कर लूँगा. लेफ्ट साइड में जो पार्किंग बाइक रहती है उसको भी आपको देखना है हमेशा. आगे पीछे दाएं बाएं चारों कॉर्नर आपको कम से कम 7-8 आंख होना चाहिए गाड़ी चलाते टाइम. तो अभी भी मेरी गाड़ी दो पे ही चल रही है. अब रोड खाली है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा क्लच दबा के तीन पे डाल दूंगा. और सामने ब्रेकर आ रहा है, क्या करेंगे ब्रेक और इसको दो पे थोड़ा सा हम लोग रेस देंगे. जैसे कि हम लोग इधर जाना है तो राइट इंडिकेटर, लेकिन अभी सीधा चलेंगे हम लोग. इधर जाना सीधा, तो मेरे साथ मेरे पापा हैं, वो उन्होंने कहा सीधा चलने के लिए. तो सिग्नल ग्रीन है, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे आगे. जैसे कि ये गाड़ी जा रही है आगे तो हम लोग रुक गए, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूट्रल कर देंगे इसको.
फिर एक पे करके धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। अब वो इंडिकेटर दे रहा है रुकने का, डबल ब्लिंक मतलब रुकने का वो बताया। यहाँ से लेना है तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के लिए आप देखोगे कि उस लेफ्ट वाले कॉर्नर पर ना लग जाए, ऐसे घुमा के लेना है ताकि उधर भी ना लगे और इधर आपका गाड़ी बीच में ना आए रोड के बीच में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जाम में रुके हुए हैं तो न्यूट्रल कर देंगे, नहीं तो कलर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक पे दिए उधर जाना है ना, ठीक है, साइकिल वाला को ना लगे और उधर गाड़ी बीच में ना जानी, तो उधर से जो गाड़ी आएगी वो ब्लॉक कर देगी रास्ता पूरा। तो हम लोगों ने गाड़ी घुमा लिया यहाँ से, ये ब्रेकर आ गया, हल्के से ब्रेक पे पास थोड़ा रेस गाड़ी के थोपे। तो हम लोग अभी रॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, तो रॉन्ग रूट पे आप जब भी जाओ और ज़रूरी है तो हमेशा लेफ्ट साइड में जाओ और गाड़ी हमेशा स्लो चलाओ। गाड़ी मेरे 3 मिनट में चल रही है, क्लच पे पाओ नीचे एकदम। तो अभी गाड़ी मेरी 4 सेकंड पे चल रही है, तो यहीं पे कहीं पे हमें रुकना है। तो मैंने गाड़ी को भी न्यूट्रल कर दिया फिलहाल, अब यहाँ से मैं इसको 2 पे डाल सकता हूँ। हमारी मंजिल आ गई, हमें बैपा बनाना था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दी। तो यही रही सामने गैस का, तो हम लोग गाड़ी यही पार्क कर देंगे धीरे से। बस गाड़ी न्यूट्रल, गाड़ी बंद, फिर गाड़ी को गियर पे ताकि गाड़ी इधर उधर ढुलके ना। तो गाइस होप आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी चलाए कैसे। तो आप गाड़ी की बाड़ी घुमाने की तो कोई है नहीं, वीडियो पकड़ने के लिए क्या करूं मैं, काफ़ी धूप है यार आज। तो यही थी गाड़ी जो मैं अपने चला रहा था। आप बेसिकली अगर एम्बेसडर मॉडल चलाना सीख गए तो आप कोई भी गाड़ी चला लोगे, वो चाहे स्कॉर्पियो हो, सुजुकी हो, टोयोटा हो, ट्रक हो, बस हो, सब चला लो। क्योंकि इसका क्या है ना, ये स्टीयरिंग और गियर जो है, अगर इसमें आपका हाथ सेट हो गया तो आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिनके पास एम्बेसडर है बहुत लकी हो यार आप लोग, अलग अलग गाड़ी की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी कभी भी। तो फिलहाल आई होप लाइक आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि गाड़ी मेन रोड पे चलाते कैसे है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस हमेशा अच्छा होता है, कभी भी ये ख़राब नहीं होती प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना खुलेगा, थिंकिंग लेवल बढ़ेगा आपका उतना, कभी भी घबराओगे नहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख डरोगे नहीं। तो हमेशा प्रैक्टिस पे ध्यान दिया करो और लाइक जितना आता है उतना ही प्रैक्टिस करो, पहले नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखो, सीख जाओगे जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है कार चलाना सीखना। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो लाइक, और कमेंट करते रहो यार लाइक आपको क्या चाहिए और गाड़ी चलाने में। मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के देने की एकदम नीची सीधा और छोटा सा। ओके बाय बाय।